तो हाय हेलो वेलकम बैक टू चैनल। एक्चुअली कपड़ा धोना एक बहुत ही टफ वर्क है, चाहे वो बैचलर हो या फिर मैरिड इंसान हो, या फैमिली में रहते हो फिर अकेले रहते हो, सबके लिए बहुत ही एकदम हार्ड वर्क जैसा होता है कि कपड़ा, यार कपड़ा कौन धोएगा। इसी हिसाब से बहुत सारे लोग, मतलब हमारे जैसे बैचलर्स, कपड़े धोते ही नहीं है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा गंदे गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं। एक टाइम पे मैं भी काफ़ी ज़्यादा गंदा गंदा कपड़े धोता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने के आसपास से मैंने एक वॉशिंग मशीन मंगाया हुआ है और यूज़ कर रहा हूँ आज तक। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मैं सोचा क्यों ना आज वो आप लोगों से शेयर किया जाए और उसके बारे में टोटली A to Z बात किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब जो रेशियो बहुत कम है मेरे चैनल में। आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मैं एंड में बोलता हूँ। तो आज से शुरू कर रहा हूँ मैं, आज स्टार्टिंग में बोल दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, और एक ज्वाइन बटन है, अगर आपके मन चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत मतलब चैनल को कंट्रीब्यूट भी आप कर सकते हो। एंड वीडियो पूरा देखिए एंड तक और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और ये वीडियो को शेयर करिए। और तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने से पहले आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये मैंने फ़िलहाल ऑफलाइन लिया हुआ है और मैंने उसको ढूंढा, थोड़ा सा रिसर्च किया और मैं मुझे फाइनली अमेजोन पे मिल गया। आप चाहो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर ख़रीदना हो तो वीडियो पहले देख लो, फिर कैसा कैसा क्या इसका क्वालिटी आप देख लो पूरा, फिर अगर ख़रीदना है तो जाके ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो। तो ये हमारे सामने है वॉशिंग मशीन गोदरेज कंपनी की तरफ से, और ये पूरा उसका एक ओवरलुक ले लेते हैं कि कैसा है क्या नहीं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके 5-स्टार रेटिंग है, मतलब आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बहुत कम आने वाला है। और ये 5 साल मोटर वॉश मोटर के वारंटी में देता ही है। शायद उसका जो स्पिनिंग मोटर है उसका वारंटी शायद नहीं है, ठीक है। मैं एक बार आपको कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन में टोटल डाल दूंगा कि है कि नहीं है, ठीक है। मुझे तो अब तक कुछ इशू तो आया नहीं है। और ये साइड पैनल में जब आते हैं तो यहाँ पे एक पकड़ने के लिए ग्रिप मिलते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे गोदरेज का नंबर है, इसका कस्टमर केयर नंबर 24 आवर सर्विस हेल्पलाइन है, आई थिंक ये टोल फ्री है, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर अगर जब आप ये साइड में भी आते हैं तो ये साइड में भी एक आपको होल्डिंग ग्रिप मिलता है, और पीछे की साइड एक ये पानी इन मतलब वाटर इन का है कि स्लॉट है, आप यहाँ पे पानी अंदर को डाल सकते हैं जो कि स्पिनिंग ट्यूब में जाता है। और ये साइड में इसके वायर है ऐसे राउंड अप में है, ठीक है। और ये इसको थोड़ा सा हवा प्रोवाइड करता है। मैं एक्चुअली थोड़ा घूम नहीं सकता क्योंकि ये बीच में दीवार आ रहा है। और ये साइड में भी एक पानी जाने के लिए अंदर को एक वायर है, मतलब स्लॉट है, जिसके वजह से आप पानी अंदर डाल सकते हैं और ये यहाँ पे वॉशिंग वॉश कर सकते हैं। ये गोदरेज का लोगो और ये उसका ये टॉप लोड है तो ऊपर से सब खुलता है, इसका कुछ खास है नहीं इधर, मतलब सिस्टम को सही सही है। और आपको दो पाइप मिल जाते हैं, ये जो पाइप है इससे हम पानी अंदर ला सकते हैं, मतलब थ्रू टैप, और ये जो मोटा वाला पाइप है इसको इससे हम पानी ड्रेन कर सकते हैं। कैसे लगाते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं दूसरे पैनल पे। तो ये उसका स्पिनिंग सेक्शन है, ये हम उठाने के बाद हमें और एक कवर करने के मिलता है। फिर इसको उठाने के बाद यहाँ पे एक टी शर्ट रह गई है मेरी, यहाँ पे एक उसका एक कवर और एक होता है जो कपड़े को ऐसे स्टेबल रखता है, इसको नहीं दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये स्पिनिंग सेक्शन है, यहाँ पे कपड़े रखा जाता है और ये स्पिन होता है और सारा पानी ये होल के थ्रू चला जाता है बाहर, और मेन स्टोरेज में जाता है मशीन के, और मशीन से सीधा ड्रेन होता है बाहर। अभी इसको बंद करते हैं। यहाँ पे एक है, ये एक्चुअली मॉडल का नाम है एज अल्टिमा, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो गोदरेज एज अल्टिमा। और यहाँ पे है सेक्शन, आपको मिल जाएगा बटन है, ये एक्चुअली सेमी ऑटोमेटिक है तो आपको ऐसे बटन की मिलेंगे। तो ये एक बजर है, जब आप कपड़े धोते हो
और जितना टाइम आप दिया होएंगे तो वो उसी से बचता है इधर, ठीक है, कपड़े धुलने के बाद। ये उसका चैनल एक है जो वॉश टाइमर का, आप 0 से लेके 0 मतलब बंद होता है, और ये 35 मिनट तक दे सकते हैं। तो 35 मिनट एक्चुअली देने के बाद, अगर जब आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो तो 35 मिनट दे दीजिए। ये 1-2 मिनट वॉश करता है, फिर उसके बाद सोक करता है 15 मिनट तक। 15 मिनट से फिर शुरू होता है वॉशिंग करना, 15 मिनट से शुरू होता है वॉश करना पूरा 0 तक, फिर वो बजर बजता है। ये है उसका पानी ड्रेन करने के लिए, ड्रेन स्ट्रॉन्ग रेगुलर, ठीक है। और इसका स्पिनिंग टाइमर है ये, आप 0 से लेके 5 तक आप इसको टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके जो पाइप मैंने निकाला दो उसको कनेक्ट करते हैं, उसके बाद कपड़े कैसे धोते हैं आपको बताता हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आपको पूरा डिटेल एंड में बताऊँगा, आप एंड तक बने रहिए। तो पाइप कनेक्शन करना बहुत ईजी है, इसको पाइप को निकालना इधर से, ये तो बहुत ईजी है पाइप को निकालना, ठीक है। पहले हम लगाएंगे ये ड्रेन पाइप को, इसका दो सेक्शन होता है, एक ऐसे खुला होता है और एक में ऐसा ये बंद होता है, मतलब अगर आपको कुछ कपड़े ऊपर निकल गए मतलब धागे यहाँ पे रुक जाते हैं तो ये रहेगा बाहर की तरफ से और ये साइड रहेगा अंदर की तरफ। तो इसको हम ऐसे लिटा देते हैं और यहाँ पे इसका आउटिंग स्लॉट है, इसको इसके अंदर ऐसे डालते हैं और इसको इस थोड़ा टर्न कर लेते हैं, फिर ये चीज़ को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हाय चल बच्चों। और ये जो पाइप है, ये पानी इनका पाइप है, तो फिर एक इसका ये वाला रबर वाला सेक्शन यहाँ पे लगेगा ये टैप में, और ये जो है कादेबू, और ये लग जा और ये वाला सेक्शन लग जाएगा यहाँ पे ताकि पानी मशीन के अंदर जा सके। हम इसको खोल के देख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पानी अंदर आ रहा है, और ये हमारा अभी ये ड्रेन में है तो इसको हम स्ट्रॉन्ग में रख लेते हैं ताकि पानी अंदर से बाहर ना जाए। तो पानी को हमने मशीन में भर दिया है, अभी टाइम है उसमें डिटर्जेंट डालने का, फिर उसमें कपड़े डालने का और फाइनली धोने का प्रोसेस बताने का, ठीक है। और वीडियो बनाने के चक्कर में मैं एक चीज़ भूल गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक मशीन को चलाने के लिए, और वो है उसके वायर को बोर्ड में कनेक्ट करना। वो मैंने पूरा का पूरा भूल गया था, तो लेट्स पहले कनेक्ट करते हैं फिर बाकी आगे प्रोसेस करते हैं। तो कितना पानी रहेगा, कितना डिटर्जेंट रहेगा, आपके कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा इतना है थोड़ा बहुत है, तो फिर मैं इसी से अपने वैसे भी डाल रहा हूँ और आगे करते हैं। डिटर्जेंट को थोड़ा सा अच्छे से घुलने के लिए 2 मिनट का मोटर चलाएंगे, 2 मिनट के लिए, क्योंकि तो अभी देखो चल रहा है, फिर मैंने 5 मिनट के रखा है, फिर भी इसको 2 मिनट चलाएंगे। अब टाइम है इसमें कपड़े डालने का, पहले बंद करते हैं फिर एक एक करके कपड़े इसमें डाल देंगे। तो मैंने ज़रूरत के हिसाब से जितना कपड़ा है उसी हिसाब से पानी और वॉशिंग मशीन में उसका पाउडर डाल दिया है, ठीक है। मैं यूजुअली सर्फ एक्सल यूज़ करता हूँ, आप लोग चाहे आपके हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्फ एक्सल मुझे शुरू से अच्छा लगता है तो मैं वही यूज़ करता हूँ। ओके तो अभी टाइम है उसके वॉश मोटर को ऑन करने का है, तो मैं फ़िलहाल 15 मिनट का दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कपड़ा उतना ज़्यादा है नहीं, और ये 8 किलो का मशीन है, अभी मैंने इसमें आधा ही डाला हुआ है तो उसमें 15 मिनट का ही टाइम लगते हैं। तो इसको पहले बंद करते हैं ये, फिर ये 15 मिनट का सेट करते हैं टाइम। तो ऐसे बजर बजता है, जितना आप टाइम सेट किए हुए हो उससे 10-15 सेकेंड पहले ही बजने लगता है, और तब तक बजता है जब तक ये ऑटोमेटिक टाइम कंप्लीट नहीं होता। और अगर आप कहीं बिजी हो तो ये बजर और ये टाइमर ऑटोमेटिक दोनों ऑफ हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
और आप चाहे तो इसको मैनुअल भी इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको स्पिन करने से पहले उसको खंगालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट की जो बूंदे लगे हैं कपड़े में वो निकलना बहुत ज़रूरी है, तो पहले वो करते हैं। तो मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं, मैंने कभी भी जो पाइप इन का ऑप्शन है वो कभी भी मैंने अपने स्पिनिंग में यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमेशा मैं मैन्युअली ही उसको उसी जहाँ पे वो धोता है कपड़ा वहाँ पे ही पानी निकाल के उसको ड्रेन करके उसको उधर ही करता था। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए उसमें स्पिनिंग में पानी डाल के उसमें खंगा लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज़ यहाँ से निकल के अब मैं यहाँ कनेक्ट करने वाला हूँ कि लग गया, और इसमें पानी डाल के देखते हैं कि एग्जैक्टली पानी आता कहाँ से। तो मैंने अभी पाइप का स्विच ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ से निकलता है ऐसे, वाह। और ये चीज़ सीधा, एक्चुअली ड्रेन का कोई सीन नहीं है इसमें, इसमें सीधा ड्रेन हो जाता है पानी, मतलब कि ये पानी रहता नहीं है, सीधा अंदर ही मतलब बाहर ही चला जाता है। क्योंकि और भी अच्छी बात है कि हमें इसका पानी अगर दोबारा यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़े दूसरे कपड़े को लिए तो वो सेफ रहेगा। नाइस। तो इसमें मैंने पूरे कपड़े डाल दिए हैं, उसका एक दूसरा कवर उसको डाल के देखते हैं कि स्पिन करते हैं तो क्या होता है। दो मिनट का स्पिनिंग रखते हैं खंगालने के लिए, लेट्स सी। आई थिंक 1 मिनट भी काफ़ी है, मतलब पानी चला के खंगालने के लिए, और 1 मिनट ऐसे सूखे खंगाल लेंगे, मतलब खंगाला नहीं होता वो अच्छे से स्पिन डाइड हो जाएगा, तो स्पिन ही कर देते हैं। और स्पिन करने से एक बात बताऊँ करने से पहले, कि ये जो ढक्कन है उसको ढकना बहुत ज़रूरी है कवर है कवर को, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, इसमें लगता है लगा होता है सेंसर, अगर इसको उठाते हो आप ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो इसको ढक के रखना कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये फिर से स्पिनिंग शुरू हो गया क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया है। बाकी चाहे स्पिनिंग का टाइम, बाकी चाहे आप कुछ बंद करो ना करो, लेकिन ये जो चीज़ है उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। और अंदर का जो एक प्लास्टिक एंड रबर मिक्स वाला एक मटेरियल है उसको भी कपड़ों के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये होगा कि कपड़े ऊपर नीचे होते जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, मशीन के तो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जो स्पिनिंग का जो बॉल है उसके उसके बाहर चले जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमने 5 मिनट का स्पिनिंग टाइम दे रखा है, 5 मिनट बहुत सही होता है, तो स्पिन करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो स्पिनिंग भी हो चुका है, 5 मिनट हो चुका है, और इसका कोई बजर नहीं बजता इसमें, आपको इसमें आके देखना पड़ता है, और ये ऑटोमेटिक स्पिनिंग मोटर बंद भी हो जाता है। ठीक है, 5 मिनट के बाद अगर आप कितने भी से टाइम सेट किए होंगे उसी हिसाब से, तो देखते हैं कि 5 मिनट स्पिन होने के बाद कितना सूखा हुआ है और कितना नहीं, अभी चेक कर रहे हैं। ये थोड़ा गीला भी है वैसे, ये क्योंकि एक सेमी ऑटोमेटिक है तो इसमें पूरा का पूरा सूखता नहीं है, अगर आप चाहो तो उसमें 2 बार भी आप इसको स्पिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा ही फ़र्क पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा लेके धूप में सुखाना पड़ता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक में क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा सूख जाता है, थोड़ा बहुत भी रहता है उसमें भी, और वो प्रेस के टाइम चला जाता है, लेकिन मैं ऑटोमेटिक इसलिए आपको नहीं बना रहा हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर वीडियो, क्योंकि एक तो वो पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा उसी हिसाब से यूज़ करता है, और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो मैंने मंगाया हुआ है उसका प्राइस एंड डिटेल मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। फिलहाल जो बाकी के कपड़े हैं उनको खंगालना है और स्पिनिंग में डालना है, फिर बात करते हैं आगे। तो जितने भी कपड़े थे सारे धुल गए हैं,
स्पिनिंग में हो चुका है ऑलरेडी सब कुछ, और अभी टाइम है कि कपड़े धोने के बाद मशीन को सेट करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए आपको कुछ दिक्कत ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो इसी हिसाब से अभी देखते हैं कि अभी क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ का जो भी गंदा पानी सब ड्रेन करना है, जो कि मैंने कर लिया है, फिर भी अगर देख पाओगे तो आप ऐसे सब सारे गंदगी पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें क्या करना है, मैंने वो वाला जो टाइप वो जो पाइप मैंने उधर लगाया था वो यहाँ पे लगा दिया। उसको पानी खोलते हैं और ऐसे हाथ से थोड़ा साफ करते हैं, तो पानी डाल के ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। इनकेस अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा स्पिन भी कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि पानी इसमें है नहीं तो स्पिन नहीं हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा ड्रेन से बंद कर देते हैं, और पानी जब जैसे आएगा थोड़ा स्पिन कर देंगे, क्योंकि ये स्पिन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये जो है इसको हम भी ऐसे खोल के इसको थोड़ा साफ भी कर सकते हैं। क्योंकि कम कपड़ा है तो इसमें इतना कुछ मैल है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा है, क्योंकि हम साफ कर देंगे। यूजुअली इसमें जो चीज़ें होते हैं बाहर साफ़ करने के लिए होते हैं, क्योंकि मेरे इसमें कुछ लगा ही नहीं था तो मैंने इसी के अंदर ही कर दिया। पानी से हो गया है, अभी स्पिन थोड़ा करते हैं, बस इतना चाहिए। बस अब बहुत है, अभी ये पानी को हम ड्रेन कर देंगे। पानी सीधा जो कनेक्ट किए थे हमने उधर जा रहे हैं। ठीक है, और ये ख़त्म होने के बाद, अब पानी पूरा ड्रेन होने के बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ कर देंगे, उसको पोंछ के और उसके पाइप्स निकाल के अंदर रख लेंगे, ताकि कोई चूहा अंदर ना जाए। और सबसे बड़ी बात है जो ड्रेन का जो है उसको भी बंद करके रखिए, ताकि उसके अंदर चूहा घुस के कुछ काटा काटी ना करे, और जो उसका स्लॉट है पानी जो जहाँ से निकलता है उसको भी थोड़ा कोई कपड़े में थोड़ा ढक दें, ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सेफ रहे। तो ए टू जेड सब कुछ काम ख़त्म हो गया है। मैं आपको एक्चुअली अनबॉक्स तो नहीं दिखाया, क्योंकि कुछ था नहीं खास अनबॉक्स दिखाने का, और मैंने जो अनबॉक्स किया हुआ था शुरू में, मतलब जिस टाइम पे लाया था उस टाइम पे मैंने ऐसा कोई व्लॉग बनाऊंगा ऐसा सोचा भी नहीं था। एक्चुअली काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो सोचा चलो ठीक है व्लॉग बना दें और आप लोगों को शेयर कर ले। ठीक है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आपको जैसे कि आप लोगों ने जैसे देखा। और अभी बात करते हैं इसके प्राइस के ऊपर। अभी इसके मार्केट प्राइस एक्चुअली 13,500 है, और मैंने उसको 14,500 में ख़रीदा था, क्योंकि मैंने किस्त में ख़रीदा था, ईएमआई पे, ऑफलाइन ईएमआई पे। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो और आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब वक्त आता है वीडियो एंड करने का, लेकिन एंड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। अगर आप मशीन में कुछ ज़्यादा थोड़ा जैसे कि कोई दाग है, मतलब हल्दी का, चाय का, कॉफ़ी का, तो आप थोड़ा सा ट्राई करें कि उसको मैन्युअली हाथ में, मतलब एक बार वॉश होने के बाद हाथ में थोड़ा रगड़े, ताकि उसका दाग निकल जाए, क्योंकि ये जो मोटर का जो वॉशिंग होता है तो जो तरीका होता है वो उससे नहीं जाता, तो उसको थोड़ा सा हाथ से करना पड़ता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुखाना थोड़ा पड़ता है उसको। और एक बात है कि अगर आप अंडरवेयर या इनरवेयर उसको धोते हो तो उसके कपड़े के जो धागे हैं वो निकलने लगते हैं, तो उसको ट्राई करिए अवॉइड करने के लिए कि उसमें ना धोए, तो ये बेहतर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए एकदम फ्री है, और हमने आपके लिए अच्छे से हमेशा अच्छे 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 से अच्छे से अच्छे 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 बहुत अच्छे वीडियो लेके आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड लव यू ऑल।